का सबसे बड़ा सपना है कि हर एक व्यक्ति सुबह उठ करके योग करे। और आदरणीय मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिला करके UNO में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रख करके और 192 देशों में पिछले वर्ष योग का सफल आयोजन करवा करके भारतीय संस्कृति की विजय की पताका पूरी दुनिया में फहराई। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश भर में 1,00,000 से ज़्यादा शिविर हम आयोजित करेंगे 21 जून से पहले। यह भी 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ तय किया। और ये 1,00,000 शिविर गाँव से लेकर के तहसीलों से लेकर के और सभी शहरों में 3 से 7 दिन के आयोजित किए जाएंगे। मैं स्वयं भी पूरे देश भर में जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ वहाँ जाऊँगा। आप लोगों की जानकारी के लिए इस समय भी पूरे देश के सभी प्रांतों में सभी बड़े गांवों में तहसीलों में लगभग 1,00,000 योग की कक्षाएं तो चल ही रही हैं नियमित रूप से, लेकिन उनको शिविरों का रूप दिया जाएगा जिससे कि करोड़ों लोगों की भागीदारी 21 जून से भी पहले हो सके और फिर उन लोगों का मूवमेंट 21 जून के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उनकी भागीदारी करवा सके। 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में डोर टू डोर कैंपेन का हमने लक्ष्य रखा है। हर एक जिले में 10,000 से लेकर के 25,000 से 50,000 लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए हमारे पांचों संगठनों के भाई और बहन घर घर जा करके एक एक महीने का समय इस कार्य के लिए लगा रहे हैं। लाखों वॉलेंटियर्स को अभी ट्रेनिंग दे करके अभी हम आए हैं हरिद्वार से और हमने तय किया कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम फरीदाबाद की इस पुण्य धरा पर होगा। और वो एक दिन का ही नहीं होगा, वो 5 दिन का कार्यक्रम होगा। तो 17 जून से 21 जून तक हम फरीदाबाद में होंगे और 21 जून से पहले 40,000 से 50,000 से ज़्यादा लोग और 21 जून को 1,00,000 से ज़्यादा लोग उस ऐतिहासिक दिवस पर इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। यह योग को गौरव दिलाने के लिए और साथ में ही हरियाणा वैसे तो हर क्षेत्र में आगे रहा है, योग के क्षेत्र में हरियाणा को एक और बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी और पूरे विश्व में योग के माध्यम से हमारे देश को तो प्रतिष्ठा मिल ही रही है। इसी संदर्भ में आज हम खुद यहाँ फरीदाबाद में आए हैं और एक तरह से 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अभी तालकटोरा में हुआ था, उससे तो उसका विधिवत उद्घाटन हो गया था, अभी उसकी आज अगली कड़ी है। और आप लोगों की जानकारी के लिए आज लगभग आयुष मंत्रालय की तरफ से भी पूरे देश भर में बैठकों का आयोजन शुरू हो चुका है जिससे कि स्थान आदि तय किए जा सके। यहाँ पर भी स्थान 1 सप्ताह के भीतर तय करके यहाँ के सब कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर देंगे और लगभग फरीदाबाद, गुड़गांवा, पलवल ये आस पड़ोस के सभी हजारों गाँव के लोग भी 21 जून के कार्यक्रम में यहाँ भागीदारी करेंगे, क्योंकि हम तो गांव की भूमि में पैदा हुए और उन गांव की धूल भरी अंधेरी गलियों से हमने योग यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व की यात्रा की है।
तो गांव का आदमी योग के साथ सीधा कनेक्ट हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि योग केवल मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के संभ्रांत लोगों के ही लिए नहीं है, योग सबके लिए है। तो सबका जीवन रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त, सुख समृद्धिमय, शांतिमय हो, इस संकल्प के साथ पूरे देश भर में हम इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसी उद्देश्य से आज ये फरीदाबाद की एक ऐतिहासिक बैठक भी रखी है, जिसमें NCR क्षेत्र हरियाणा के सभी कार्यकर्ता अभी भाग ले रहे हैं। और उससे पहले हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां योग को पूरे विश्व में और अधिक गौरव मिलेगा, वहां फरीदाबाद भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक इतिहास लिखेगा 21 जून को। और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे भाई राकेश जी, बहन सुमन जी, भाई हमारे ईशारे जी, यहाँ के सारे हमारे मंडल प्रभारी जयपाल जी और यहाँ के संगठन के सब कार्यकर्ता, अंकुर जी, हमारे विपुल गोयल जी और यहाँ के यशस्वी सांसद हमारे भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, सभी लोग भी, चाहे राजनैतिक हैं गैर राजनैतिक हैं, ये सर्वदलीय और निर्दलीय कार्यक्रम होगा। इसमें हम सभी को आमंत्रित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है इससे फरीदाबाद में सामाजिक समरसता की भी एक नई मिसाल लिखी जाएगी। और आज इस कार्यक्रम की एक तरह से विधिवत हम यहाँ घोषणा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका कोई प्रश्न होता पूछ सकते हैं। देखिए, ये 17 से 21 जून मैंने कहा 5 दिन का कार्यक्रम होगा और इसमें राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व भी 5 दिनों में भाग लेंगे, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा अलग अलग क्षेत्रों में जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। अभी तो आज अभी इसकी घोषणाएं हुई है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और तमाम राज्य और केंद्र स्तर के मंत्रियों को भी। और इसमें हम दलों से पार सबके द्वार जाएंगे और सबको आमंत्रित करेंगे। हमारे लिए यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा। हम BJP से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, क्योंकि योग हमारे पूर्वजों की विरासत है, इस पर हम किसी भी तरह की सियासत नहीं होने देना चाहते। हम आमंत्रण जरूर देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी देंगे और माता सोनिया जी को भी आमंत्रण देंगे, जरूर देंगे। ये तो सबका साझा है योग, कोई किसी बाबा की, किसी योगी की या किसी नेता की बपोती नहीं है ना योग। पहले मेरे शायद 2 बड़े शिविर हुए, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं फरीदाबाद में सबसे पहले आर्य समाज के सेक्टर 19 में आया था। 20 साल पहले की बात है ये, जब मुझे दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे, तब से फरीदाबाद के लोगों के साथ एक आत्मा का रिश्ता है, बहुत अंतरंगता है। इसलिए लालू जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो भी पतंजलि की बहुत से उत्पाद प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है, और कपालभाति अनुलोम में लोग भी करते हैं, तो प्यार बस कुछ भी कह देते हैं, इसलिए लालू जी के ऊपर कोई भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो जितना भी प्यार में भी हमारा ही प्रचार कर रहे हैं। 17 से 21 तारीख में सुबह 4:45 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक डेली कार्यक्रम रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 4:45 बजे से लेकर के और 8 बजे तक, जैसे कि एक आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रोटोकॉल तय किया गया है, उसी के तहत यहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। और हमारे लाखों वॉलेंटियर्स पूरे देश भर में, मैंने कहा योग दिवस से पहले तो 1,00,000 शिविरों का आयोजन करेंगे, और योग दिवस पर सभी प्रदेशों में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, सभी स्थानों पर योग का कार्यक्रम करेंगे और सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को खुद आमंत्रित करेंगे। जहां सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें भी भागीदारी करेंगे। इसमें हमने किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं रखी है, सीमाओं के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार
जिसमें सारी समष्टि एकाकार होती है, ऐसा है योग का ये पूरा सिद्धांत और विद्या। अभी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे, 21 जून तक इंतजार करो। 21 जून के कार्यक्रम में फरीदाबाद के माध्यम से पूरी दुनिया को बहुत बड़ी सौगात पतंजलि योगपीठ देगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। और भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि हमारी 2,500 नियमित कक्षाएं नेपाल में चलती हैं, वहाँ भी हमारे 50,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं। ऐसे ही यूके में, यूएसए में, अफ्रीका में, यूरोप में, जापान, रसिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में भी 21 जून पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि के सभी कार्यकर्ता इस कार्य को वैश्विक स्तर पर भी बहुत गौरव के साथ आयोजित करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आदरणीय ओवैसी साहब को भी जरूर आपने याद दिला दिया, विस्मृति ना हो जाए इसलिए आज ही नोट कर लेते हैं। तो उनको भी हम जरूर आमंत्रण देंगे, वो भी आकर के योग करें, क्योंकि योग तो हमारे पुरखों की विद्या है। हमारे पुरखे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सभी योगी थे, सभी योग करते थे। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। इसलिए मैंने देवबंद में भी जाकर के कहा था, भाई सभी को सांस तो ऊपर से लेना पड़ता है, हिंदू हो मुसलमान हो सांस तो ऊपर से लेगा, हिंदू का पेट बढ़ गया हो या मुसलमान का, कपालभाति करने से सभी का पेट छोटा होगा, जैसे हमारे विपुल ने छोटा कर लिया। और हमने पिछले दिनों भी कुछ लोगों ने कहा कि बाबा ने विवादित टिप्पणी कर दी, हमने इतनी बात कही कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारा मजहब क्या है, हमारी धार्मिक मान्यता क्या है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अन्यों की आस्थाओं को, किसी अन्य की धार्मिक राष्ट्रीय श्रद्धा को, विश्वास को हम चोट ना पहुंचाएं। और इसलिए मैंने कहा था कि मैं जन्म से हिंदू, एक आर्य परिवार में पैदा हुआ जो राम और कृष्ण की संस्कृति में विश्वास करते, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं ईसाइयत को नहीं मानता, मैं ईसा मसीह पर या मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं रखता, मैं कुरान और बाइबल को नहीं मानता। ऐसी टिप्पणी करना मूर्खतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं यदि वेद को मानता हूं, मैं यदि राम और कृष्ण की परंपरा में विश्वास करता हूं, तो किसी अन्य की परंपरा को चोट करने का मुझे हक नहीं है। कोई ये संविधान में थोड़ी लिखा है, ये कानून में थोड़ी लिखा है कि आप ईसाइयत को माने या कुरान को माने, ऐसी मैं बात कहूं तो ये देश को, लोगों के दिलों को तोड़ने वाली बात है। ऐसी ही बातें ओवैसी साहब कर रहे थे, तब मैंने कहा भाई ऐसी भक्ति मत करो, आप भारत माता की जय बोलो या ना बोलो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये संविधान में नहीं लिखा है, ये कानून में नहीं लिखा है, और भारत माता की जय नहीं बोलूंगा ऐसा कह करके भारत माता की जय तो बोली ही भारत माता की जय, आगे आपने बोला नहीं बोलूंगा, बोल करके फिर बोलने नहीं बोलूंगा। तो खैर, ये तो देश में सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले मुद्दे हैं। हम जरूर यहां सभी को आमंत्रित करेंगे और सभी मजहबों के लोग आपको 21 जून से पहले और 21 जून को और 21 जून के बाद भी पूरे हिंदुस्तान भर में और पूरे जहान में योग करते हुए दिखेंगे। और योग कोई मजहब नहीं है, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग रोगियों के लिए एक जीवन दान, उनके लिए
ये पुनर्जन्म देने वाली विद्या है। योग से कहते दिव्य जन्म होता है, एक जन्म माँ के कोख से, दूसरा जन्म योग से होता है। योग तो कल्प वृक्ष की तरह है। और आज पूरी दुनिया जिस तरह से रोगों से, तनाव से, हिंसा से ग्रस्त है, ऐसे तमाम प्रकार के इन रोगों से और हिंसा से, तनाव से त्रस्त इस मानवता के लिए योग एक वरदान है। और इसलिए योग को किसी भी सीमा में बांधना योग के साथ न्याय भी है। पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था, सूर्य नमस्कार कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। और सूर्य नमस्कार में किसी भी प्रकार की कोई सूर्य आदि की वंदना नहीं होती है। और मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में योग करवा रहा हूं और सूर्य नमस्कार भी कराता हूं। एक बार भी मैंने सूर्य नमस्कार के साथ कोई मंत्र नहीं जोड़ा। और मैं बिना मंत्र उच्चारण के कराता हूं, तो वो एक बहुत ही साइंटिफिक, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड और कंप्लीट फिजिकल फिटनेस का प्रोसीजर है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य की तरह आपके भीतर ओज आ जाता है, चमक आ जाती है। तो जब मजहब बने थे उससे पहले का सूर्य है। मजहब तो पिछले 1500-2000 सालों में बने, ये सूरज तो 200 करोड़ वर्ष पुराना है, ये चंद्रमा 200 करोड़ वर्ष पुराना है। लोगों ने सूरज और चंद्रमा को भी मजहबों के साथ जोड़ दिया। 1500 साल 2000 साल पहले दुनिया में कोई मजहब नहीं था, उस समय योग था, इसलिए योग मजहब से परे है। हजारों साल पुरानी है गीता, इसलिए गीता भी मजहब से परे है। रामकृष्ण जब धरती पर आए थे उस समय कोई मजहब नहीं था, इसलिए राम को, कृष्ण को, गीता को, उपनिषदों को, वेदों को, वे तो सृष्टि की, संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, इनको मजहबों से जोड़ना इनके साथ अन्याय। अब जब कोई दुनिया में मजहब नहीं था तब से सूरज है, तब से चांद है, सूरज और चांद को मजहब से जोड़ दिया। जब कोई दुनिया में मजहब नहीं था तब यहाँ गाय थी और सुअर था, गाय और सुअर को मजहब से जोड़ दिया। ये मजहबों का उन्माद फैलाने लाने वाले बड़े शातिर लोग, इनको थोड़ा रहम करना चाहिए और जरा वर्तमान के साथ अतीत को भी देखना चाहिए। और वो जिस तरह के कृत्य करते हैं उससे कैसा भविष्य बनेगा ये भी सोचना चाहिए। देखिए, पतंजलि के उत्पादों को लेकर के जो दक्षिण में फतवा जारी हुआ, उसी तरह से फिर देवबंद से फतवा जारी हुआ कि पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स में गोमूत्र है, उनको छोड़ करके पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स का मुसलमान भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लास के हैं, सस्ते मिलते हैं, मुसलमान भाई हमारे ज़्यादातर गरीब हैं और ये प्योर हैं, और इनके द्वारा जो भी प्रॉफिट मुनाफा होता है वो देश के लिए है। हमने अंग्रेजों को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के हिंदुस्तान से भगाया था, वो हमने राजनीतिक आज़ादी के लिए किया था। ये आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वाधीनता का, आर्थिक स्वराज का कार्यक्रम है पतंजलि का ज्ञान। इसलिए मुसलमानों के 99% जो समझदार लोग हैं इस वर्ग के, वो पतंजलि के पक्षधर हैं कि भाई इससे देश की दौलत देश में रह रही है और पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए। ऐसा तो कोई विदेशी कंपनी नहीं कर रही, वो तो 1% भी चैरिटी नहीं करती, CSR के फंड को भी उसमें भी घोटाला कर देती है। और बाकी लाखों करोड़ ये विदेशी कंपनियां देश का लूट करके लेके जा रही है, तो क्या हम हिंदुस्तानियों का फर्ज नहीं कि अपने देश की हम हिफाजत करें और अपने देश का पैसा देश के बाहर ना जाए, ऐसा हम कुछ प्रयास करें। इसलिए किसी भी तरह के मजहब को जोड़ना पतंजलि के उत्पादों के साथ, मुझे लगता है वो देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और अब चाहे वो हमदर्द के उत्पाद हैं, चाहे वो हिमालय के उत्पाद हैं, दोनों ही बहुत बड़े स्वदेशी के ब्रांड हैं हमारे देश में, लेकिन हिंदुस्तान का कोई हिंदू तो नहीं कहता कि मैं हिमालय का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो मुसलमान उसका मालिक है, मैं हमदर्द का प्रोडक्ट प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि उसका मुसलमान मालिक है। ये हम इस राष्ट्र की एकता, अखंडता अथवा राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वराज्य, आर्थिक स्वाधीनता के प्रश्न पर मुझे नहीं लगता कि हमको किसी भी तरह का कोई मजहबी उन्माद फैलाना चाहिए। ये सच है, क्वालिटी एजुकेशन का एक बहुत
बड़ा प्रश्न और चुनौती है हमारे राष्ट्र में, और इसीलिए हमने तय किया कि पतंजलि का 100% चैरिटी के लिए होगा, तो उसमें 70-80% एजुकेशन के लिए ही होगा। इसलिए आने वाले 10-20 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पतंजलि एजुकेशन के सेक्टर में ही सेवा करेगा, व्यवसाय के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, उपकार की भावना से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। और मैंने पहले घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हम बनाएंगे और एक एक जिले में एक एक आचार्य कॉलम बनाएंगे, जहां गरीब और अमीर दोनों के बच्चे एक साथ बैठ करके एक छत के नीचे पढ़ सकेंगे। माने शिक्षा के नाम पर कोई पक्षपात नहीं होगा और शिक्षा का व्यवसायीकरण हम रोकेंगे और उसमें वैदिक शिक्षा भी देंगे, आधुनिक शिक्षा भी देंगे, और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसके स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति, महात्मा गांधी का भी सपना था आजाद भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था, इसलिए उन्होंने जो है स्वदेशी तालीम इस देश में शुरू की थी, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया था। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे और उसके लिए हमने एक वैदिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव भी सरकार को दिया हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि वह प्रस्ताव भी जल्दी ही स्वीकार होगा और उस वैदिक शिक्षा बोर्ड को सरकार के HRD मंत्रालय से मान्यता मिलेगी, तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव आप पाएंगे। और हमारा अगला फोकस पॉइंट एजुकेशन सिस्टम होगा। इसके साथ साथ हम करीब 500 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जो तो देसी नस्ल की गाय हैं उनके सुधार में भी खर्च करने वाले हैं। जो आज 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय है वो 25 से 50 किलो दूध देगी, और ये काम आने वाले 3 से 5 वर्षों में आप देखेंगे। ये हमारी योजना अब शुरू हो चुकी है और हमने करीब 500 करोड़ रुपए आयुर्वेद के अनुसंधान में खर्च करने का प्रोविजन किया और उसमें करीब 150 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं। और आयुर्वेद के सेक्टर में किसी गैर सरकारी संस्था के द्वारा किया गया ये पहला प्रयास होगा, जहां पर एनिमल ट्रायल से लेकर के माने चूहे और खरगोशों पर जो दवाइयों के जड़ी बूटियों के ट्रायल किए जाते हैं, जैसे एलोपैथी में केमिकल्स के ट्रायल करते हैं, ऐसे हम एनिमल ट्रायल से लेकर के सेल ट्रायल से लेकर के फार्माकोलॉजी से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक पूरा जो एक साइंटिफिक रिसर्च का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यह भी आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी पतंजलि की ओर से। और इस समय भी हम करीब 50 से ज़्यादा गुरुकुलों को जो परंपरागत शिक्षा के केंद्र हैं और गौशालाओं को गोद लिया हुआ है हमने, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए हम ऑलरेडी दान कर चुके हैं। हम खाली खुद ही नहीं चैरिटी कर रहे हैं, जो भी अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए ऑलरेडी संस्थाएं काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग हम पतंजलि से कर रहे हैं। इसलिए हमने आज से करीब कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि अब पतंजलि का क्योंकि जितना भी हमने कर्ज लिया था, क्योंकि कई कोई एक तो हमें देश के लोगों ने करीब 1,000 करोड़ रुपए दान दिया जिससे हमने योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का ही परचम पूरी दुनिया में फहराया, उसके अलावा ये पतंजलि आयुर्वेद कंपनी बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी के एक्ट का पूरा एक सिस्टम है उसके तहत कंपनी चलती है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए और जो उसका प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाने के लिए आचार्य पार्षद जी उसके MD, मैं तो ना कोई शेयर होल्डर होना डायरेक्टर होना MD हूँ, मैं तो अनपेड ग्रैंड एम्बेसडर हूँ। और उसमें भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने घोषणा की कि अब पतंजलि का कोई प्रॉफिट किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो 100% चैरिटी के लिए होगा, उसमें हमने अपने फोकस पॉइंट रखा। मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ उन सब के लिए, कोई भी सरकार अथवा संस्था जो चैरिटी के लिए काम करना चाहते हैं। पतंजलि का प्रॉफिट क्योंकि 100% चैरिटी के लिए है, इसलिए मैं उसके लिए एक अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पतंजलि तो 100% चैरिटी के लिए काम कर रहा है, कोई यदि 50% चैरिटी के लिए भी काम करना चाहेगा तो मैं उसका प्रचार करने के लिए निशुल्क उपलब्ध हूँ। बाबा जी, हम एक नई परंपरा डालना चाहते हैं। लोग पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए बिजनेस कर रहे थे, अब हम देश की भलाई के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हमको कुछ लोग व्यापारी कहते हैं, कुछ लोग ठग कहते हैं, कुछ लोग और पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं।
उसके बावजूद भी हम इस काम को करते हैं, क्योंकि हमें इसकी परवाह नहीं कि जमाना हमको क्या कह रहा है। हमें इसकी परवाह है कि सन्यासी निष्काम भाव से अपना अध्यात्म धर्म को राष्ट्र धर्म निभा रहा है या नहीं। मैं ऋषियों का वंशज हूँ, मैं रामकृष्ण गौतम कणाद जन्य पाणिनि पतंजलि और महर्षि दयानंद की परंपरा का संवाहक हूँ, और मैं अपने रास्ते पर सही हूँ तो जग चाहे भैरी हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। देखो सन्यासी का धर्म क्या है, इसको कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं करेगी। सन्यासी का धर्म गीता में लिखा है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाति। जो अनासक्त होकर के निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, वो सन्यासी और योगी है। और महर्षि कपिल ने कहा, यतो भूमेन श्रेयसः सिद्धि साधर्मः। जो संसार के उपकार के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ करता है, तप करता है, जिसके व्यक्तिगत जीवन में तप है और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि हेतु जो सेवा करता है वो सन्यासी है, और वो काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए शास्त्रों ने जो सन्यासी और योगी की परिभाषा दी और योगी का जो आचरण बताया है उसको मैं एक एक पल जीता हूँ, और इसका कोई भी लाइव टेस्ट कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है। आपका भी स्वागत है पत्रकार बंधुओं, आइए मेरे साथ मेरी कुटिया में रहिए, लेकिन आपको वहाँ एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। झोंपड़ी में रहता हूँ और अपने देश को वैभवशाली देखना चाहता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस देश का वजीर और फकीर झोपड़ियों में रहता है उस देश की प्रजा महलों में रहती है, और जिस देश का वजीर और फकीर महलों में रहना शुरू कर देता है उस देश की प्रजा झोपड़ियों में आ जाती है और वहाँ दरिद्रता छा जाती है। मैं उस परंपरा का हूँ, मैं समर्पित हूँ, और मैं अपने आने वाली परंपरा को भी खड़ा कर रहा हूँ। गृहस्थों के तो एक दो बड़े बच्चे बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत हो गई है, यूरिया डीएपी खाता करके और तनाव में जूझते हैं। हमारे करीब इस समय जिनको सन्यासी शिष्य कहते हैं, ऐसे आचार्य कोटि के भाई और बहन हम वैदिक गुरुकुलों और वैदिक कन्या गुरुकुलों में तैयार कर रहे हैं, और उनकी एक खेप तैयार हो चुकी है। अभी 2020 को मेरे सन्यास के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, शायद तब तक आपको सैकड़ों सन्यासी अपने उत्तराधिकारी दे दूंगा। तो बाबा के जाने के बाद बाबा की सामाजिक आध्यात्मिक विरासत पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। हम एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं और ऋषियों की उस आचार्यों की परंपरा को खड़ा कर रहे हैं। तो एक तरफ हम करोड़ों देशवासियों के जीवन में एक सकारात्मक सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अलग अलग दिशाओं से जो है मानव निर्माण का काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी इस कार्य में पूरा सहयोग करना है। हमारे सभी कार्यकर्ता अभी हजारों की संख्या में नीचे हैं, यहाँ पर भी हमारे भाई राकेश जी से लेकर के भाई सुमन जी, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई दिल्ली के भी हमारे भाई इसमें, क्योंकि डॉक्टर गोलिया जी, पवन जी आदि, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के सभी कार्यकर्ता लगेंगे, बहुत उनका एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। भाई कृष्णवीर जी, भाई ईशारी जी, हमारे भाई संजीव जी, बहन सत्या जी और दिनेश जी, और हमारे आदमी के तिजारा वाला जी, सभी इस अनुष्ठान में रात दिन हम पुरुषार्थ करेंगे। तो इस बार यूँ तो 21 जून को, पिछली बार भी योग का एक बहुत बड़ा इतिहास बना था, और उससे मैंने कहा योग और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर गौरव देने के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ी पहल की। भारत की जांच इतिहास में किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने योग और भारतीय संस्कृति को उतना गौरव प्रदान नहीं किया जितना गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया। इसलिए इस बार उस गौरव में और चार चांद लगेंगे, और योग और भारतीय संस्कृति के साथ फरीदाबाद और हरियाणा को भी विश्व पटल पर गौरव मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।